कट्टीवाड़ा थाने में ग्राम पन्नाला पड़ता है। पन्नाला में एक बालिका 19 साल की बालिका, उसकी छोटी बहन बारी के साथ घर रहती थी। उसके माता पिता गुजरात मजदूरी पर गए हुए थे। ये घटना 6 तारीख शनिवार रात 8 बजे अपने उसका रिश्ते का भाई, उसके पिताजी के बुआ का लड़के का लड़का राघू घर पे आया 8 बजे और मोबाइल फ़ोन था उसके पास एंड्रॉयड, उससे उनने लड़कियों ने 11 बजे तक पिक्चर देखी मोबाइल में। उसके बाद में सो गए। रात को 1 बजे करीब उस लड़की के साथ उसने ज़बरदस्ती बलात्कार किया। उसके बाद वापस सो गए। उसके 5 दिन पहले वो 2 बार उसके साथ बलात्कार कर चुका था। जब उसने इज्जत आबरू बचाने के लिए माँ बाप को नहीं बताया था और उसको माफ़ कर दिया था, फिर दोबारा उसने किया। इसलिए घर में रखी कुल्हाड़ी उसके सिर में उधर उधर मारपीट कर उसकी हत्या कर दी। उसके बाद उसने अपने बचाव के लिए अपने दादाजी वगैरह को बताया, मृतक परिवार को बताया और उसके परिजन के तो बड़े पापा के लड़के चीतू और केरिया उनके खिलाफ रिपोर्ट लिखा दी कि चीतू ने उसके साथ कुल्हाड़ी से मारपीट की, मार डाला। केरिया ने अपने गर्दन पे फालिया रख के और उसके बाद में मोबाइल कुल्हाड़ी लेकर भाग गए। और विवेचना के दौरान श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में, एडिशनल महोदय और एसडीपी महोदय के मार्गदर्शन में मैंने बारीकी से विवेचना की तो पता चला कि लड़की ने उसके साथ रेप हुआ था, गलत काम हुआ था। उसके बाद में जो मोबाइल और कुल्हाड़ी ले जाना बताया था वो लड़की ने वहाँ जंगल में करीब 1.5 किलोमीटर अंदर पत्थरों में छिपा दिया था, जो बरामद कर लिया। लड़की को आरोपी बनाकर और न्यायालय भेजा गया है, विवेचना जारी है। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी ना भूलें।